जय बोलो बाबा विश्वकर्मा की, जय बोलो बाबा विश्वकर्मा की, जय बोलो बाबा विश्वकर्मा की, जो इस सृष्टि के रचैया है। ओम शांति। विश्वकर्मा जयंती हर वर्ष 17 सितंबर को भारतवर्ष में हम विश्वकर्मा जयंती मनाते आ रहे हैं। विश्वकर्मा जी के लिए हमने शास्त्रों में सुना है कि महाभारत काल में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ की स्थापना इन्होंने की, कृष्ण का द्वारिका भी इन्होंने ही बनाया और स्वर्ग में स्वर्ण महल का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया। साथ ही साथ देवी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र जो भी हथियार थे उनका भी निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया। विश्वकर्मा एक बहुत बड़े शिल्पकार थे, इसलिए आज के दिन विशेष जो औजारों से उपकरणों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे उनकी जीविका चलती है, विशेष उनको याद करते हैं, उनका पूजन अर्चना करते हैं। जैसे किसान वर्ग में देखेंगे जो खेती किसानी करते हैं उससे जुड़े हुए जो भी औजार हैं उसकी पूजा करते हैं, और शहरी एरिया में जो कल कारखानों और मशीनों से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने उपकरणों की आज के दिन पूजा करते हैं और फिर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, या तो आज के दिन वो छुट्टी भी रखते हैं। तो सचमुच में विश्वकर्मा जी जो विश्व नव निर्माण करता है, जिन्होंने ही नव निर्माण किया, वास्तव में अभी उसी की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया पुरानी हो गई है और इस पुरानी दुनिया में जहाँ चारों तरफ घर घर में कला क्लेश का वातावरण है, हर मनुष्य दुखी अशांत है, मानो ये दुनिया कांटों का जंगल बन गया है। आज मनुष्य अपने संस्कार और संस्कृति से दूर जा रहा है। कभी इस दुनिया का गायन करते थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश मेरा। लेकिन आज क्या कहते हैं, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई है भगवान, चांद न बदला सूरज न बदला बदल गए इंसान। तो आज वह इंसान जो श्रेष्ठ कर्मों के कारण याद किया जाता था, जिसे हम देवी देवताओं के रूप में पूजा करते थे, आज उसके संस्कार परिवर्तन आ गया है और इसके कारण दुनिया भी परिवर्तित अर्थात आज बुराइयों की ओर जा रही है, जिससे आज स्वयं मनुष्य दुखी है और सारा जहान आज इस दुख में डूबा जा रहा है, और यही समय है नव निर्माण करने का। और ऐसे समय पे हर मनुष्य आत्माओं की अंदर से पुकार होती है कि वो शिल्पकार पुनः इस धरती पर आए और इस धरती को पुनः सोने की नगरी बना दे, इस धरती को पुनः रहने के लायक खुशहाल बना दे, और इसके लिए स्वयं निराकार परमात्मा शिव गीता ज्ञान दाता वही विश्व रचयिता है, जो निराकार होने के कारण उन्होंने साकार शरीर का आधार लिया और वो है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही उन्होंने ही इस पुराने सृष्टि को नई सृष्टि में परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए आप देखेंगे कि विश्वकर्मा को भी बुजुर्ग दिखाते हैं, दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बुजुर्ग दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं। वास्तव में सिर्फ एक महल या मशीन बनाने की बात नहीं है, सबसे पहले नव निर्माण के कार्य में मनुष्य के संस्कारों का चरित्र का नव निर्माण, जहाँ मनुष्य अपने चरित्र का नव निर्माण कर लेगा, श्रेष्ठ आचरण जीवन में ले आएगा, तो स्वतः ही ये दुनिया भी बहुत सुंदर खुशहाल बन जाएगी। इसलिए
शास्त्रों में कहा कि यह देवी देवताओं के जो भी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ, वास्तव में अभी परमात्मा हमें वह अलंकारों से सुशोभित कर रहे हैं। वह ज्ञान का हमें चक्र दे रहे हैं, वह ज्ञान का हमें शंख दिया है और वह हमें योग की अग्नि के द्वारा इस पूरे जहान में जो बुराइयां आ गई हैं, उस बुराइयों को नष्ट करने की शक्ति दे रहे हैं और यह कार्य वह प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करा रहे हैं। कहते सृष्टि का निर्माण हुआ था संकल्पों के द्वारा, तो आज सारा खेल संकल्पों का है। परमात्मा सर्वप्रथम हमारे मन के विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जा रहे हैं और धीरे धीरे ये जब सकारात्मकता आती जाएगी तो स्वतः ही पूरी दुनिया में इसका वाइब्रेशन फैलेगा और पूरी दुनिया में वही दुनिया आ जाएगी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, अर्थात स्वर्ग, अर्थात देवी देवताओं की दुनिया। तो यही विश्वकर्मा जी है, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा, जो एक एक आत्माओं को अपनी छेनी हथौड़ी का थूक लगाकर हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं और एक एक मूर्तियां तैयार कर रहे हैं और यही मूर्तियां भविष्य में स्वर्ग के निर्माण में और सत्युग दुनिया लाने में यही मूर्तियां सम्मुख आएंगी। तो ये देवी देवताएं ऐसे ही तैयार नहीं हो रहे हैं, इनको तैयार करने वाले वही शिल्पकार विश्वकर्मा जी हैं। तो आज इस विश्वकर्मा जयंती का हम आप सबको दिल से शुभकामनाएं देते हैं, बधाई हो।